हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर प्लेनेट। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कॉमेडी ड्रामा मूवी को, जिसका नाम है यस गॉड यस, जो रिलीज हुई थी 2019 में, जिसे डायरेक्ट किया था करेन मैने ने। और बात करें इसकी आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, जो है 6.1 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हम एलिस नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि स्ट्रिक्ट मिड वेस्टर्न कैथलिक स्कूल में पढ़ती है, जहाँ लड़कियों की स्कर्ट लेंथ को स्केल से नापा जाता था। एलिस एक इनोसेंट लड़की होती है, लेकिन उसमें सब कुछ जानने का कीड़ा होता है। इसके बाद स्कूल में सेक्स एजुकेशन की क्लास होती है, जहां मॉर्फी नाम के टीचर को देखते हैं। वो बताता है गॉड ने सेक्स एक पर्पस के लिए बनाया है, जैसे जनरेशन को आगे बढ़ाना, और इसे शादी के बाद ही करना चाहिए। फिर एक स्टूडेंट उससे मुठ मारने के बारे में पूछता है। मॉर्फी उससे कहता है, क्या तुम उससे बच्चा पैदा कर सकते हो? फिर एक गर्ल्स स्टूडेंट आंसर करती है नो। फिर वो कहता है, शादी से पहले सेक्स करना या मास्टरबेशन करना कुदरत के कानून के खिलाफ है, क्योंकि तुम याद रखना, ये सब करते हुए तुम्हें गॉड देख रहा है। क्लास के बाद एलिस की फ्रेंड लॉरा उसके पास आती है और वो कहती है, मैं इस स्कूल से परेशान हो गई हूँ, यहाँ दिन ब दिन रूल्स बढ़ते जा रहे हैं। फिर वो उसे कहती है, तुम्हारी क्लास कैसी थी? एलिस बोलती है, क्या तुम्हें पता था मुठ मारना एक पाप है? लॉरा कहती है, हाँ बिल्कुल, और जो तुम टाइटैनिक मूवी में कार वाला सीन बार बार रिपीट करके देखती हो, वो भी एक पाप है। एलिस कहती है, मुझे तो बस सब कुछ जानने का कीड़ा रहता है, और ये पाप नहीं है। स्कूल के बाद एलिस घर आती है और कंप्यूटर पर AOL चैट रूम खोलती है। ये मैसेंजर चैट की तरह होता है, जिसे लोग काफ़ी टाइम पहले यूज़ करते थे। फिर उसके कंप्यूटर पर एक मेल आती है, जिसमें किसी ने अपनी ही एडल्ट पिक भेजी होती है। एलिस उसे एकदम से बंद कर देती है, फिर उसे देखने की इच्छा होती है। फिर वो उसे खोलती है और स्क्रॉल करके सारे पिक्चर्स को देखने लगती है। तभी उसे सेम यूज़र नेम से मैसेज आता है, जिसमें ASL लिखा होता है, जिसका मीनिंग एलिस को पता नहीं होता। फिर वो उसे पूछती है, फिर वो बंदा एज सेक्स लोकेशन का मैसेज करता है। एलिस पहले थोड़ा सोचती है, फिर वो उसे जवाब देती है, एज 22 गर्ल लोकेशन आयो। फिर वो उससे उसकी फ़ोटो मांगता है, लेकिन वो उसे अपने दोस्त का फ़ोटो भेज देती है। फिर उसका रिप्लाई आता है, तुम काफ़ी सुंदर हो। फिर वो उसे एडल्ट चैट करने लगता है और एक एडल्ट पिक भेजता है और साथ में लिखता है, आर यू टचिंग योर सेल्फ? और फिर उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। फिर वो अपने स्कर्ट के अंदर हाथ डालती है, तभी उसे अजीब सा महसूस होने लगता है, लेकिन फिर उसे उसकी माँ की आवाज़ आती है और तुरंत कंप्यूटर बंद करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन स्कूल में एक लड़की एलिस के पास आती है और वो कहती है, मुझे विश्वास नहीं होता कि लॉरा की पार्टी में तुमने वेट की सैलेड टोस्ट की। जिसे सुनकर लॉरा भी शॉक हो जाती है और वो कहती है, क्या सच में तुमने ऐसा किया? एलिस कहती है, नहीं, मुझे तो इसका मीनिंग भी नहीं पता। फिर वो लड़की कहती है, ये बात पूरी स्कूल में फैल गई है और बेट की गर्लफ्रेंड हैदर इस सबसे काफ़ी अपसेट है। फिर लॉरा उस लड़की से कहती है, अच्छा ये बताओ तुम मेरी पार्टी में क्यों नहीं आई थी? वो लड़की कहती है, मैं स्कूल की तरफ से रिट्रीट पर गई थी, जो कि काफ़ी स्पिरिचुअल था। उसके बाद मेरी लाइफ पूरी तरह बदल गई और तुम्हें भी वहाँ जाना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एलिस चॉकलेट रैपर निकालकर चाटने लगती है, जिसे देखकर कुछ लड़के हंसने लगते हैं। एलिस उनकी तरफ घूरने लगती है, फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके सामने बेट और उसकी गर्लफ्रेंड हैदर आते हैं और उसकी तरफ गुस्से से देखते हैं और कहते हैं, डिसगस्टिंग। एलिस को वो चैट करने के बाद गिल्ट होता है। फिर वो लॉरा के साथ रिट्रीट पर जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद एलिस एक लड़के को देखकर लॉरा से पूछती है, ये कौन है? लॉरा कहती है, तुम इसको नहीं जानती, ये फुटबॉल टीम का कैप्टन क्रिस है। एलिस उसे देखकर उस पर फिदा हो जाती है। तभी नीना नाम की एक लड़की उनके पास आती है और उन्हें उनका रूम दिखाती है। फिर वो उनसे कहती है, यहाँ फ़ोन और घड़ी अलाउड नहीं है, जब तुम लोग वापस जाओगे तब तुम्हें वापस कर दिया जाएगा। एलिस उसे अपनी घड़ी दे देती है और फ़ोन को छुपा लेती है। फिर वो हॉल में जाते हैं और मॉर्फी उन सबको छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर देता है। एलिस का ग्रुप लीडर क्रिस होता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। इसके बाद सब सेटल हो जाते हैं और मॉर्फी कहता है, यहाँ तुम्हें गॉड ने बुलाया है, ये ट्रिप तुम्हारी लाइफ की सबसे यूनिक ट्रिप होने वाली है, गॉड के साथ तुम्हारा रिलेशन और भी स्ट्रांग हो जाएगा। फिर वो उन लोगों को कुछ फॉर्म फिल करने के लिए देता है, जिस पर वो उनसे अब तक जितनी भी फीलिंग उनके मन में आई हैं उन सब के बारे में लिखने के लिए कहता है। एलिस फॉर्म फिल करना स्टार्ट करती है और वो टर्न ऑन पर सर्कल बनाती है। फिर बाद में वो उसे इरेज करना चाहती है, लेकिन वो इरेज नहीं होता और टाइम ख़त्म हो जाता है। फिर वो उस वर्ड को काट देती है और फॉर्म को सबमिट कर देती है। इसके बाद नीना एक स्पीच देती है और कहती है कि कैसे उसकी फैमिली उसे इग्नोर करती है। फिर उसे यहाँ आकर रियलाइज़ हुआ कि वो अकेली नहीं है और गॉड उसके साथ है। उसकी स्पीच सुनने के बाद सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं। रात को एलिस अपने फ़ोन पर गेम खेल रही होती है, तभी उसकी फ़ोन वाइब्रेट करती है। फिर वो सोचने लगती है
और अपने फोन को लकीर के बीच में डालती है। फिर उसे बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस होता है। अगले दिन जंगल में वो लोग कुछ फ्रूट्स लेने जाते हैं, लेकिन एलिस सिर्फ क्रिस को ही देखती है। तभी एक लड़की गिरने वाली होती है और क्रिस उसे संभालता है। फिर एलिस के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो भी गिरने का नाटक करती है। क्रिस उसके पास आता है और उसे उठाकर नर्स के पास ले जाता है। एलिस को बहुत अच्छा फील होता है और वो इंजॉय करती है। इसके बाद हम देखते हैं नीना उसके रूम में कुछ बात करने के लिए आती है, लेकिन तभी उसका फोन वाइब्रेट होता है। फिर नीना उसके फोन को देख लेती है और उससे कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला, और वो सीधा जाकर मॉर्फी को बता देती है। फिर वो एलिस को बुलाता है और कहता है हमने कुछ हासिल करने के लिए ये रूल बनाया है, तुमने इसे तोड़ा है और मुझे इसके लिए तुम्हें पनिश करना होगा। फिर वो उसे कहता है तुम्हें पूरे कैंपस को क्लीन करना होगा, और वो अपने काम पर लग जाती है। फिर उसे मॉर्फी के रूम में कंप्यूटर मिलता है। फिर वो चारों तरफ देखती है और चैट रूम ओपन करती है। फिर वो चैट रूम पर सैलेड टोस्ट का मतलब पूछती है, लेकिन सब लोग उसे अलग अलग जवाब देते हैं और वो कंप्यूटर की स्क्रीन ऑफ करके चली जाती है, लेकिन वो शटडाउन करना भूल जाती है। फिर मॉर्फी उसी रात सबको हॉल में बिठाता है और सबके घर से आए हुए लेटर्स को पढ़ता है, जिसे सुनकर सब इमोशनल हो जाते हैं। अगले दिन क्रिस एलिस के साथ तीन और स्टूडेंट को बुलाता है और कहता है सबके मन में कोई ना कोई गिल्ट होता है और मैं चाहता हूँ वो सब तुम बाहर निकालो, इससे तुम्हें मन की शांति मिलेगी। फिर एक लड़का कहता है लास्ट वीक मेरा ब्रेकअप हुआ और मुझे ऐसा दिखाना पड़ा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अंदर से मैं टूट गया हूँ। फिर एक लड़की कहती है मेरी दादी गुजर गई और मैं उन्हें लास्ट बार देख भी नहीं पाई। तभी एलिस की बारी आती है, लेकिन उसके पास कुछ कहने के लिए नहीं होता। तब वो झूठ बोलती है कि कुछ दिन पहले मेरे डॉग की मौत हो गई और बाद में मुझे पता चला कि एक पड़ोसी ने उसे जहर देकर मार दिया था। ये सुनकर वहाँ बैठी एक लड़की बहुत रोने लगती है। इसके बाद सब लंच कर रहे होते हैं, तभी मॉर्फी वहाँ आता है और कहता है तुम में से किसी ने मेरा कंप्यूटर ओपन करके एडल्ट चैट की है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। फिर वो कहता है मैं ये तो नहीं जान सकता ये किसने किया है, लेकिन याद रखना गॉड सब कुछ देख रहा है। एलिस डर जाती है, मगर वो किसी को कुछ नहीं बताती। इसके बाद मॉर्फी उसे बुलाता है और पूछता है गॉड के साथ तुम्हारा रिलेशन कैसा है। एलिस कहती है अच्छा है। तब वो पूछता है फॉर्म में तुमने टर्न अन क्यों भरा था। वो कहती है ये मैं काफी दिन पहले फील कर रही थी। फिर मॉर्फी उससे पूछता है क्या तुम अब भी फील करती हो। वो मना कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं एलिस क्लीनिंग कर रही होती है, तभी बेट वहां पर आता है और कचरा नीचे फेंक देता है। एलिस पूछती है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। वो कहता है तुम्हारी वजह से मेरा ऑलमोस्ट ब्रेकअप हो गया था। तब एलिस कहती है मैंने क्या किया, मुझे तो उस वर्ड का मतलब भी नहीं पता, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन सब लोग मुझे बैड गर्ल समझते हैं। तभी मॉर्फी वहां पर आता है और बेट को अपने साथ ले जाता है। उनके जाने के बाद एलिस कचरा साफ करती होती है, तभी उसे नीचे एक बैंड मिलता है जिस पर वेट का नाम लिखा होता है और वो उसे अपने पास रख लेती है। फिर वो किचन को क्लीन करने जाती है, लेकिन विंडो से उसे कुछ दिखता है जिसे देखकर वो चौंक जाती है। वो देखती है नीना एक लड़के को किस कर रही है और इतना ही नहीं वो उसका चूसती भी है। ये देखकर वो एकदम से शॉक हो जाती है और ये बात जाकर लॉरा को बताती है, मगर लॉरा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और कहती है तुम्हें शर्म आनी चाहिए नीना के बारे में ऐसी झूठी अफवाह फैलाते हुए। और वो कहती है पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा कुत्ता कब मरा। तब एलिस कहती है सबके पास कोई ना कोई स्टोरी थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था इसलिए मैंने ऐसा बोला। लॉरा कहती है तुम एक नंबर की झूठी हो और मुझे लगता है तुमने ही मॉर्फी के कंप्यूटर से एडल्ट चैट की है और तुमने ही सैलेड को टोस्ट किया होगा। एलिस उसे समझाती है कि मेरा यकीन करो ये सब सच नहीं है, लेकिन लॉरा वहां से चली जाती है। फिर वो उदास हो जाती है। फिर जब वो किचन साफ कर रही होती है तब उसे एक आइडिया आता है और वो वेट के वैंड को मॉर्फी के कंप्यूटर के पास रख देती है। तभी मॉर्फी वहां पर आ जाता है और एलिस छुप जाती है। मॉर्फी अपना कंप्यूटर ओपन करता है और एडल्ट वीडियो देखते हुए मुठ मारता है। एलिस जब ये सब देखती है तब उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और अपनी आंखें बंद कर लेती है। और इसके बाद हम देखते हैं क्रिस उसका उदास चेहरा देखकर उससे पूछता है क्या हुआ तुम उदास क्यों हो तुम्हें बात करना है। वो दोनों एक टेबल के ऊपर बैठ जाते हैं। फिर अचानक से एलिस उसे किस करने लगती है। क्रिस भी उसे किस करता है लेकिन वो खुद को रोक लेता है और उसे कहता है तुम क्या कर रही हो ये कुदरत के खिलाफ है। तभी वो वहां से चला जाता है। एलिस बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। रात को सब प्रेयर कर रहे होते हैं तब एलिस चुपके से वहां से निकल जाती है और एक बार में जाती है। वहां पर वो वार ऑनर गीना से मिलती है जो उसका उदास चेहरा देखकर उससे पूछती है क्या हुआ। एलिस कहती है ऐसा क्यों होता है जैसा लोग होते हैं वैसा खुद को दिखाते नहीं।
और वो अपनी फेक इमेज बनाकर चलते हैं। गीना कहती है आजकल ये सबकी प्रॉब्लम है। एलिस कहती है मैं छोटी छोटी गलतियां करने से डरती हूँ क्योंकि मुझे डर है ये सब करने से मैं नर्क में जाऊंगी। गीना कहती है बचपन में मैं भी एक स्ट्रिक्ट कैथोलिक स्कूल में पढ़ी थी और मुझे पता है कि इस टाइम तुम कैसा फील कर रही हो। फिर दोनों कुछ और बातें करते हैं और एलिस को थोड़ा अच्छा फील होता है। फिर गीना कहती है चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। जाते टाइम एलिस पूछती है क्या तुम्हें पता है सेलेटोस का मतलब क्या होता है। ये सुनकर गीना हंसने लगती है और कहती है लिंकिंग समवन बट मतलब किसी की लकीर को चूसना। ये सुनकर एलिस थोड़ा हैरान हो जाती है और रूम में वापस आ जाती है। अगली सुबह जब सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तब मॉर्फी आकर बेट को अपने साथ ले जाता है। तभी लॉरा एलिस के पास आती है। वो कहती है मुझे लगा था तुमने मॉर्फी के कंप्यूटर से एडल्ट चैट की है मगर सच तो ये है ये सब वेट ने किया क्योंकि उसका बैंड कंप्यूटर के पास मिला। वो उसे सॉरी कहती है। लॉरा कहती है क्या तुम ये जानती हो कि वेट एक गे है। तब एलिस कहती है उसकी तो एक गर्लफ्रेंड है। लॉरा कहती है लेकिन उसने आज तक उसे एक किस भी नहीं किया और उसने ये बात छुपाने के लिए तुम्हारे बारे में सेलेट टोसिंग का अफवाह फैलाया था। तभी बेट वापस आता है और सभी के सामने कहता है प्लीज गॉड मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दो। तभी मर्फी कहता है अगर तुम में से किसी को भी कुछ कहना है तो यहाँ आकर कह सकते हो। अब एलिस में हिम्मत आ गई थी और वो उठकर सबके सामने जाती है। वो कहती है यहाँ लोग बातें तो बना लेते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो सुनते हो वो सब सच है। बहुत हर्ट होता है जब लोग तुम्हारे बारे में झूठी अफवाह फैलाते हैं। अकेला और खाली फील होता है और इसकी वजह से हम कभी कभी ऐसा काम करते हैं जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं पाते। यहाँ सबके अपने अपने सीक्रेट हैं। क्या बिगड़ जाएगा अगर सब एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहें और सबकी चॉइसेस को रिस्पेक्ट करें। गॉड भी तो यही चाहते हैं और हो सकता है इस सब के बाद हमारे मन में कोई गिल्ट नहीं रहेगा यही कि असल में हम अंदर से क्या हैं। ये सब बोलकर वो जाकर बैठ जाती है और पूरा हॉल एकदम से शांत हो जाता है। इसके साथ वो रिट्रीट खत्म होती है और सब लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन वो स्कूल जाती है तब क्रिस उसे देखकर छुपने लगता है। वो उसके पास जाकर कहती है कि तुम्हें मुझसे छुपने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो लास्ट टाइम हुआ वो आगे कभी नहीं होगा। क्या हम लोग कम से कम दोस्त बन सकते हैं। क्रिस बोलता है क्यों नहीं हाँ बिल्कुल दोस्त बन सकते हैं और वो उसे साइड हग करता है। फिर वो मॉर्फी के पास जाती है अपने गिल्ट शेयर करने और कुछ इधर उधर की बातें करती है। फिर मॉर्फी कहता है तुम्हें और भी कुछ कहना है। वो कहती है हाँ मुझे एक बात बतानी है जो मैंने रिट्रीट पर देखा था। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें दो लोग सेक्स कर रहे थे। मॉर्फी समझ जाता है कि एलिस किस वीडियो के बारे में बात कर रही है। वो कहती है मुझे पता था ऐसा वीडियो देखना पाप है मगर फिर भी मैंने उसे देखा। क्या इसके लिए गॉड मुझे माफ करेंगे। ये सुनकर मॉर्फी को कुछ समझ नहीं आता और वो कहता है मुझे नहीं पता ये गॉड और तुम्हारे बीच की बात है। इसके बाद एलिस घर आती है और टाइटैनिक मूवी का कार वाला सीन देखती है और अपनी स्कर्ट के अंदर हाथ डालती है मगर इस बार उसके मन में कोई भी गिल्ट नहीं था और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।